पैरामेडिकल फार्मेसी मैनेजमेंट एवं नर्सिंग कोर्स करने के इच्छुक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का सुनहरा मौका है। छात्र छात्राओं को यह मौका एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 के जरिए मिल रहा है, जिसके अंतर्गत पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में निःशुल्क नामांकन सह प्रशिक्षण हेतु एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों में छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति उपलब्ध है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों में पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग तथा व्यवसायिक एवं मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के अंतर्गत संचालित सभी कोर्सेज में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा दी जाएगी। बता दें कि एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना स्कॉलरशिप परीक्षा 30 अप्रैल को है। मैं एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष, मैं आपको कुछ बताने के लिए आज मैं आया हूँ। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के द्वारा राज्य में 6 जगहों पर संस्थान का संचालन किया जा रहा है, जिसमें फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल और आईटी मैनेजमेंट जैसे कोर्सों का संचालन किया जा रहा है। विभिन्न जगहों पर जो संस्थान का संचालन किया जा रहा है, सभी संस्थान सरकार के मानक के अनुरूप स्थापना की गई है सभी संस्थानों की, और सभी संस्थानों को सरकार के सभी सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस पूर्णिया, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज मधेपुरा, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंह सराय समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस सिंगियाखुर समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट सिंगियाखुर समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन पटना। इन सभी संस्थानों का संचालन एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना के द्वारा किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में नामांकन के लिए सत्र 2023 में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया है, जो परीक्षा 30 अप्रैल को संचालित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 23 अप्रैल निर्धारित की गई है, जो 2-3 दिन टाइम अभी बचा हुआ है, 2-3 दिन। ये 23 अप्रैल को इसकी अंतिम तिथि के दिन तक ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी संस्थान में ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन जमा की जाएगी। 30 अप्रैल को जिन छात्र छात्राओं के द्वारा आवेदन फॉर्म जमा किए जाएंगे वो परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उस परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी 10 मई तक, और 15 मई को सभी संस्थानों में काउंसलिंग के माध्यम से उन छात्र छात्राओं का नामांकन लिए जाएंगे। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग प्रवेश परीक्षा का आयोजन किए हैं, इसमें एक स्कॉलरशिप योजना भी हम लोग लाए हैं। सभी संस्थानों में, सभी कोर्सों में जो नामांकन लेने के लिए छात्र छात्राएं आवेदन जमा किए हैं, उस कोर्स में जो प्रथम स्थान पर आएंगे उनको संस्था के द्वारा संस्थान का जो शुल्क है पूरी शुल्क उनको छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी, और जो द्वितीय स्थान पर आएंगे उस कोर्स में उसको आधे फीस के रूप में, आधा फीस जो है छात्रवृत्ति के रूप में संस्था के द्वारा दी जाएगी।